हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नैतिक गेमिंग। तो कैसे आप सब लोग, आते हैं तो बढ़ेंगे और बढ़िया है ना। तो वेलकम बैक हो चुका है क्या दोबारा से नैतिक गेमिंग की एक और मज़ेदार वीडियो में। तो भाई इंटर थोड़ा सा चेंज है, तो पहली बता दूंगा इसकी होने वाला है सीज़न वन मेरी सर्वाइवल सीरीज़ का। पहले वाली सर्वाइवल सीरीज़ मैंने छोड़ दी थी, एंटिटी आ गए तो मैंने वर्ल्ड को ही डिलीट मार दिया, पर क्योंकि मुझे लड़ना नहीं है एंटिटी से। अगर अब की बार आए तो अब की बार तो हम सामना वामला करेंगे सब एकदम अच्छे से, लेकिन आज मैं अपना डे वन करने वाला हूँ अपनी सर्वाइवल सीरीज़ में। और पहला एपिसोड हमने तो जिसने लाइक नहीं किया लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर दो, बहुत लो चल रहा है चैनल, रीच कम है तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब। और चलो चलते हैं, और यही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, देखो कितनी अच्छी स्टार्ट हुई है। तो फर्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर स्पॉन हुआ और पीछे मुझे देखे कुछ ज़ोम्बीफाइड ब्लेजर, यहाँ पर हमारे पास एरम गोलम भी है और इतने सारे ब्लेजर भी है। ये चुप क्यों बैठे हैं भाई? अच्छा, तो सबसे पहले मैं हुआ क्लैरिक के घर के ऊपर स्पॉन। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्लैरिक का ये पड़ा हुआ, तो मैंने इसे उठाते नहीं क्योंकि अभी तक मैं पिकैक्स नहीं है आयरन की, ठीक है। और आयरन मुझे सामने दिख रहा है लेकिन हम मारेंगे नहीं क्योंकि इस वर्ल्ड में हमें एकदम अनुशासन के साथ रहना है, ओके। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है बचा दो लाइक का बटन। और मैं खेल रहा हूँ इस वाले गेम को 1.20% में। सबसे पहले बैट को हाथ लगाते इधर और फर्स्ट थिंग यहाँ पर अपन को दिख चुकी है 3-3 शिप्स, मारने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ब्लास्ट फर्निस वाला भी है और यहाँ पर है अपना प्यार भाई, लूट सकते हैं ना। ओ यहाँ पर ओ भाई साहब 4 डायमंड, और यहाँ पर हमें 3 इंग्रेडिएंट मिल चुके हैं भाई। आर्मर आधा तो हो ही गया है ब्रो, मारने की जरूरत ही नहीं है। और अब तक तो वुड भी नहीं तोड़ी है, आयरन पहले हो गया और भाई डायमंड भी हो चुके हैं। तो सबसे पहले वुड तोड़ते हैं ब्रो। उधर भी एक आयरन गोलम और इधर भी एक आयरन गोलम, कोई बात नहीं भाई। अपन को एक इंसान दिखाए, इंसान तो नहीं कहेंगे लेकिन अपन को एक जानवर दिखाए, तो भाई इससे सीड खिला देते हैं। क्या जा रहा है अपना पहला पेट गाइस, अपने वर्ल्ड का पहला पेट बन चुका है और शायद बैठे भी। गुड मॉर्निंग गाइस, भाई देखो अपना पेट यहाँ पर है तो इसे यहाँ पर सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले भाई डायमंड की पिकैक्स बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग वाटर बकेट बनाएंगे। डायमंड का भी कुछ नहीं बनाने वाले हैं, वुड का बनाएंगे। कलेक्टिंग फूड, फर्स्ट थिंग गाइज अपन ने अब तक अपनी SMP का कोई नाम नहीं रखा है, तो गाइज एक नाम रखते हैं सबसे पहले अपनी SMP का। भाई सॉरी ये गलती से क्लिक कर देता हूँ बार बार, नाम कैसे रखते हैं। तो चलो अपने वर्ल्ड का नाम रखने वाले हैं अपन डेविल SMP। यस गाइस अपन डेविल SMP। ओहो नीचे मुझे बहुत सारा स्टोन दिख रहा है। ओ माय गॉड आई सी फर्स्ट ब्लैक कलर एनिमल पैंडा, ओपी बोलते तो इस छुटकी को अपनी तरफ से छुटा देते हैं। इसे उगाने के लिए रख देते हैं। सॉरी वही मार के रहा है, तो खा टेंशन मत ले तो खा, ओके। एंड अब मुझे सबसे पहले आयरन ढूंढना है। ओ ब्रो मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल टाइप भूल गया, स्टोन पिक एक्सटर्न 2 बना लेते हैं। सामने मेरे को दिख रहा है कॉल और नीचे दिख रहा है खाना, सब उठाएंगे। एक प्रॉफिटिंग वाले उधर बना लिए की रही, ये सामने दिख रहा है एक पैरेट, तो इसे भी टेम करने की कोशिश करते हैं। आ जा ब्रो, आड़ते थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन
कर ले भाई, तू ये कर ले पहले भाई। अगर तू एक बार में नीचे नहीं आया ना, मैं तुझे काट दूँगा, मजाक सड़के मैं काट दूँगा इसके आयरन मॉडलिंग के सामने काटूँगा, अगर नीचे नहीं आया तो। देखा भाई खोप है, बंदे आएंगे नीचे, देख फिर से इसे डाई चाहिए ना, मिलेगी मिलेगी पक्का मिलेगी। तुझे अपने भाई, तुझे अपना एक भाई प्यारा नहीं है ना, तो फाइनली ये अपना दोस्त बन चुका है, यहाँ पे बैठ जा खद्दू, अपना फर्स्ट मॉन्स्टर। बाबू चाय, बाबू चाय, बाबू ओए 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 भाई, पहला डैमेज नहीं खाना मेरे को, खा चुका हूँ मैं पहला डैमेज, ये अपना ही है ना, बेटा बैठ जा बेटा। तो बहुत खुश आया, मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ गया। ऑल फूड इज डन, टाइम टू स्टार्ट माइनिंग, बट उससे पहले हमें अपना सारा कीमती सामान रख देना है एक चेस्ट में, जिसके डायमंड्स इन सबको, आयरन की सोर्ट तो बेसिकली जाएगी क्योंकि अंदर बहुत सोने वाले हैं तगड़े तगड़े, तो पहले अपना कीमती सामान रख देते हैं। फूड मुझे लगता है जरूरत पड़ सकती है, हाँ फूड सारा लेके जाएंगे। वूल, वूल को यहीं पर छोड़ देते हैं, ये तो कुछ होने वाला नहीं है। कोऑर्डिनेट्स वो पे कर लेते हैं, इसका कुछ काम नहीं है। वुड, वुड का काम हो सकता है, लेकिन अंदर एक दो तीन चार लोग मैं वुड के काट ही रहता हूँ ना। कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, अरे सॉरी, हो चुके हैं अपने स्क्रीनशॉट्स। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक केव ढूंढते हैं, ये स्ट्रिप माइनिंग करनी चाहिए या नहीं पहले एक बार देखते हैं। उधर साइड मुझे केव्स सी लग रही है, आई थिंक यहाँ पर रिवीन भी हो सकती है। अपना ये सारा सामान तो यहीं पर रहने देते हैं, उसकी कमी नहीं होगी। तो केव ढूंढते हैं, या आई गॉट इट अप केव। तो चलो एक अच्छी सी एमएलजी करके दिखा दूँ, कॉपी, और मैं आई थिंक कॉल लाना भूल गया, सॉरी। आपको शायद दिखे ना, लेकिन मुझे तो अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है, सामने की साइड आयरन दिख चुका है तुम्हारे भाई को। एक केव स्पाइडर भी दिख चुकी है, केव स्पाइडर तो नहीं है वो, लेकिन स्पाइडर है तो वो तो इससे निपट लेंगे। लेकिन 1.20 के बाद मारना मारना, और मारने भाई निपटा दिया। ये अपना पहला माइनिंग किया हुआ आयरन वो सारा है। स्लाइम की आवाज़ क्यों आ रही है मुझे, लेट्स डू वन थिंग ब्रो, स्लाइम की बहुत तगड़ी वाली आवाज़ आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है 1.20 के अपडेट के बाद ना केव में रहना अच्छा है। तो गाइज मैंने अपना पैक कर लिया ये, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इंसान दिखा, मैंने पिकैक्स मार ली, ये स्माइल स्लाइम स्माइल कर दिया मैंने, और पीछे इस पैड पर दिखे मुझे, डरते नहीं है। और 1.20 के बाद ना केव्स में अंधेरे इतना नहीं है, लेकिन सामने हमें एक चाचा जी दिख रहे हैं। आओ 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 भाई, दो है दो है दो है, इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी इजी पीजी। अच्छा अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा अच्छा, मार भाई, मार लिया तो दूसरा मार लिया भाई, क्रिट पड़ी ना क्रिट। अभी स्पाइडर भी है, स्पाइडर भी है, रुको रुको पहले फूड खा लेते हैं। अब आ जा, अब आ जा, आ जा ना भाई, अब ना मुझे आ गया रहना, कैसे इनके साथ रहते हैं। अब भाई आयरन तो मिल चुका है, थोड़ा बहुत ही है, लेकिन कोई बात नहीं, मिला तो है ना, कितना है 5 भाई। एक तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऊपर भी केव जा रही है, ये आयरन है भाई, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, मैं भूल ना जाऊँ अपना रास्ता। तो मैं हर जगह ऐसे टॉर्च लगा के चल रहा हूँ, और मैं अभी वहाँ से आया हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह टॉर्च है, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ रास्ता अपना। और इधर की साइड तो कुछ भी नहीं है, आई थिंक मैं देख लेता हूँ। और क्या जिसने मेरे तक लाइक नहीं कराया तो लाइक जरूर कर देना वापस से, कह रहा हूँ। ये कुछ अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है मेरे को, मुझे लग रहा था ये मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है। बढ़ जा ब्रो, वो बेटा मैं अगर मैं उधर गया, उधर आया नहीं, चलो फट गया आयरन, फट गया। ये केव स्पाइडर लग रही भाई, केव स्पाइडर की बोल रहे हो, स्पाइडर की केव स्पाइडर की ज़्यादा वो क्यों हो गई है, और ये किधर से आ रहा है
और मत मार भाई। भाई मुझे दिख गया वो पास में ही अपने। आ जा ब्रो। अच्छा अच्छा था, अच्छा था, तेरी अच्छी कोशिश है। माइकलान मुझे हेल्दी फूड निकालना पड़ेगा। उसे मार सकता हूँ। फिर भी यार स्केलेटन से डर के रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हेल्दी फूड खाते अपना रिजर्नेशन होती है, जल्दी रिजर्न होंगे अपन। भाई मुझे तो डर सा लगने लग रहा है अब, क्योंकि मैं इतनी अंदर डार्क केव में कभी नहीं गया हूँ। चलो अपना अच्छा खासा आयरन माइन हो चुका है, तो मैं वुड्स के लिए कितना चाहिए होता है, 4 और लेगिंग्स के लिए 7, 4 7 11 आई थिंक 11, तो 9 दो और आयरन। ओहो अपने वर्ल्ड का पहला ज़ोंबी जो अभी तक दिख चुका है। क्रीपर भी देख लिया अपन ने, क्या क्या नहीं देखा अभी तक। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है जो अभी मेरे साथ हुआ है। मैं ऊपर से ज़ोंबी ने धक्का दिया, मैं नीचे की साइड देख रहा था और यहाँ पर मुझे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है। तो फुल पैक, मैं मतलब ऊपर से देख रहा था, अब मैं हाफ हार्ट्स पे हूँ। क्या कराएगी ज़ोंबी को, मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कोई आए ना। भाई मैं शूट करना रह गया, लेकिन बहुत गंदा गिरा हूँ अभी मैं, MLG भी नहीं हो पाई। भाई दरिंदे आए जा रहे हैं और मैं मरे जा रहा हूँ। भाई 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 चाचा जी 1 हार्ट। भाई साहब अभी मैं ना दो बार हाफ हार्ट पर बैठ रहा हूँ। चल ब्रो निकल, ज़ोंबी की आवाज़ आई है। भाई पहले फुल रीजन होंगे और नीचे मुझे डीप स्लेट तो दिख रहे हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा वीडियो यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि अपन ने SMP तो खोल दिया है। अगर जिंदा रहे तो पहले तो फिर मरना नहीं चाहता हूँ। ये है वो ज़ोंबी ब्रो। ब्रो आज कुछ भी हो जाए तू तो मरेगा मेरे हाथ से। अंडरमैन नो नो नो, आई डोंट लाइक दिस फन जॉक। ओके निकलो, कैरेट भी दिए बंदे ने, लकी जाता है बहुत। भाई मुझे नीचे से वार्डन की क्यों आज आ रही है? ओ माई, कोई आया तो नहीं, आया तो नहीं कोई? नो ब्रो, व्हाट द हेल, मुझे सामने गोल्ड दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है, रेड स्टोन दिख रहा है। तो इस जगह तो हम बाद में करेंगे और कुछ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं अपन ने, ओए मैंने कैंसिल कर दिया। तो भाई मुझे यहाँ पर 2 आयरन मिल चुका है और अपना 11 आयरन हो चुका है, मतलब पूरा सेट हम तैयार हैं पहनने के लिए आयरन। गाइस मुझे आयरन मिल गया था, तो सबसे पहले अपनी बनाते हैं पैंट और अपना बनाते हैं बूट ब्रो, जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। यस गाइस, तो फाइनली गाइस तुम्हारे भाई ने बना लिया अपना पहली वीडियो में पूरा आयरन आर्मर विद आयरन सोड, एंड मेरे पास अभी डायमंड भी है। और भाई मैंने उस रिवीन को भाई अगली वीडियो में हम डिस्कवर पूरा रिसर्च करने वाले हैं उसमें डायमंड्स हैं या नहीं, और अगली वीडियो में शायद डायमंड भी बन जाए। लेकिन उससे पहले गाइस जिसने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो। स्लाइम्स मिली है अपने, बहुत सारी चीज़ें न्यू डिस्कवर करी है तुम्हारे भाई ने, तो अगली बार वहाँ पर भी जाने वाले हैं। तो जिसने लाइक कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया, तो चलो बाय बाय टाटा गुड बाय, गया समझ लो गया ख़त्म। रुको यार मुझे आता नहीं है लगाते क्या।